फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड को PT8 के साथ लिंक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसका मॉडल नंबर है, ये आपका मॉडल नंबर रहेगा आपका, ये आप जैसे देख रहे हैं CP-UNK331, ये आपका मॉडल है। आप इसको परचेज करने के लिए आप सेल्स पर्सन से, सी प्लस के सेल्स पर्सन या टोल फ्री नंबर पे, जिसका नंबर है 8800952952 पर आप कॉल कर करके, आप सेल सपोर्ट का नंबर है उस पर आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपको आता हूँ कि ये कीबोर्ड पर, ये बॉक्स के साथ ये आपके जॉयस्टिक आएंगे, कीबोर्ड एक पावर पर आएगा और एक लैन केबल और एक USB केबल, यही चार चीज़ आपके साथ आएंगे। अब मैंने किया क्या है कि एक PTZ जो है उसको मैंने एड ऑन कर लिया है, सिस्टम पर मैंने चला रखा है। अब एक लैन केबल हम लेंगे एक्स्ट्रा और इस डिवाइसेस को, इसमें लैन पोर्ट ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, ठीक है, तो ये लैन पोर्ट हम कनेक्ट कर लेंगे। उसके साथ इसमें RS-232 पोर्ट दिया हुआ है TFTP के लिए, USB पोर्ट भी दिया हुआ है आपका, KBMS Pro को ऐड कर सकते हैं आप वाया दिस कीपैड, और इसमें दो तीन और पोर्ट दिए हुए हैं, RS-422 पोर्ट या RS-232 पोर्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब करना क्या है आपको, जैसे ये सामने आपका PTZ चल रहा है, ये अगर मल्टीपल PTZ होते हैं तो बहुत हैक्टिक होता है कि आप बार बार PTZ को जूम इन जूम आउट करें या यहाँ से आप प्लस माइनस कर करके आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं आप। तो अगर एक PTZ है तो ईजी हो जाता है, लेकिन अगर दो PTZ हो, तीन PTZ हो, फाइव PTZ हो या मोर देन फाइव PTZ हो, तो उसको हैक्टिक करने के लिए आपको एक स्किल्ड लेबर चाहिए होता है या स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए होता है जिसको आप उसको हैंडल करने के लिए दे सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर सेमी स्किल्ड हो तब भी आपका काम हो जाता है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अभी हमने क्या किया है कि ये लैन केबल डायरेक्टली स्विच से हमने कनेक्ट कर रखा है और ये आपके साथ डिवाइसेस सामने है आपका, पावर देना है आपको, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको ऐसा आपके पास डेट एंड टाइम आ जाएगा, ये डेट एंड टाइम आप चाहें तो, अभी ये गड़बड़ है क्योंकि बिल्कुल नेस्ट अभी जस्ट मैंने खोला ही है इसे, ठीक है। आप सबसे पहले ये चार मेनू है आपका, एस्केप है, सेटअप का है, शिफ्ट का है और एंटर का है, ये जितने भी नंबर्स हैं सबका प्रोसेस है। उसके साथ आपका प्लेबैक चाहते हैं तो प्लेबैक भी यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं ऐड करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इंटर पे जाएंगे और इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है आपका वो 6x8 होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐसा हमारे सामने खुल जाएगा। उसके बाद हम इस जॉयस्टिक से मदद से नीचे कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ऐसा हमारे सामने खुल जाएगा। इन केस अगर ऐसा नहीं खुलता है, डैट मीन्स कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है या फिर बदला हुआ पासवर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सभी सेंटर जाना ही पड़ेगा क्योंकि इसको रिसेट करने के लिए। अगर खुल जाता है, कोई सू नहीं है, आप जोन में जाइए, सिस्टम में जाएंगे तो आपको डेट एंड टाइम वगैरह सेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया हुआ टाइम गलत था, तो आप इंटर करेंगे यहाँ पे, डेट एंड टाइम सारा कुछ सेट कर सकते हैं। ये NTP है, नेशनल टाइम प्रोटोकॉल, इसको करने से आपको क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है, जो मैनुअली करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है आपका। नेटवर्क में इसका आप जा सकते हैं, DHCP ऑन है, तो इसका भी एक IP है जो आपको यहाँ दिख जाएगा। ये देखिए, मैंने IP फाइंडर टूल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कीबोर्ड, ये देख रहे हैं इन द साइज कीबोर्ड, जिसका IP 52 है। तो एक इंटरफेस इसका भी है कि आप डायरेक्टली चाहें तो आप इसको ओपन कर सकते हैं यहां से भी, ठीक है। अब हम आते हैं यहां कीज को, उसके बाद इसका एड्रेस है, यहां IP एड्रेस डिवाइस का, तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं एड्रेसेस। उसके बाद लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, डिवाइस सेट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी पार्ट है वो सेट कर सकते हैं, ये सिस्टम के अंदर मिलेगा। जोन में क्या है कि कैमरे को ऐड करने का प्रोसेस क्या है वो आपको बताया जाए। जैसे जोन में जाए गए, दो नंबर हैं, दो नंबर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इंटर ही प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद ID नंबर 1 है क्योंकि एक नंबर PTZ है, तो इसलिए अगर दो रहता, दूसरा PTZ भी है, दो रहता तो दो करते, तीन PTZ होता तो पहले 1 करते, फिर 2 करते, फिर 3 करते। अभी हमने ID 1 रखा क्योंकि एक PTZ है। नेम में जो आपको डालना है, मान लीजिए लोकेशन हो गया तो वो डाल दीजिए आप। फिर टाइप में क्या है, PTZ है तो उसको हम HD से डिनोट करते हैं, ठीक है। बहुत सारा इसमें ऑप्शन आ रहा है आपका, मैट्रिक्स, NBS, ND, मैट्रिक्स जो भी है, तो हमने HD है हमारा, HD कर दिए। लिंक हमारा नेट हमेशा रहेगा, ठीक है।
उसके बाद हम फिर नीचे करेंगे इसका जो आईपी है कैमरे का पीटीजेड का वो हम डालेंगे, डैट इज 4। हमने 4 डाल दिया। पीटीजेड है का पोर्ट जो सी प्लस का है तो इसलिए हम यहाँ डालेंगे 22 25001 25001, अदरवाइज जो बाई डिफॉल्ट था 3 4 × 7 वो धवा के लिए लागू होता है। ठीक है, स्टेप 8 है 8 ही रहने दीजिएगा। रूल CPKB2 है वही रहने दीजिएगा। यूजर नेम में एडमिन आपने बनाते हैं एडमिन ही, अगर आप कुछ और एडमिन के अलावा कुछ और कोई यूजर नेम आपका पास है तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड बाई डिफॉल्ट ही एडमिन दिया हुआ है, अगर आपके कुछ और भी है admin@123 या 123 है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं बताऊँ तो एडमिन है, अब मैंने बनाया था PTZ का admin123, तो admin123। ये अगर ये ABCD कुछ और बनाया है आपने तो फंक्शन का बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको ये जितने भी अल्फाबेटिक हैं वो आप लिखा जाएगा, लिखना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज ये न्यूमेरिक बटन जितने भी हैं वो काम करेंगे। इसको इंटर प्रेस कर देना, ये सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद आप बाहर आ जाइएगा, ठीक है, फिर से मेन मेनू में फिर से पासवर्ड डालेंगे 123456, इंटर प्रेस करेंगे। जोन कंट्रोल था, जोन हमने क्रिएट कर लिया, अब हम जाएंगे ये 1 क्योंकि आईडी हमने 1 रखा था, इंटर प्रेस करेंगे। अगर ये सही होगा तो हमारा PTZ के सामने ही वो मेनू खुल जाएगा, अदरवाइज ये लिखेगा ऑफलाइन मोड डिवाइड कनेक्टिंग SD और ये खुल गया, डैट मीन्स कि ये हमारा PTZ लिंक हो गया है। ठीक है, ये हमारा PTZ लिंक हो गया है। अब हम इस जॉयस्टिक के मदद से, आप ये देखिए कैमरा सामने चल रहा है आपका, ये हमने मॉनिटर पे लगा रखा है और ये हमने वेब ब्राउजर पे PTZ को खोल रखा है। तो आप जैसे भी चाहें वो अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, ठीक है, जूम इन जूम आउट, ठीक है, जूम इन जूम आउट जैसे भी करना है आपको, ये इजी हो जाता है। अब अगर ऐसे चाहते हैं घुमाने के लिए ऐसे भी घूमेगा आपको, जैसा चाहते हैं आप, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो, ठीक है, मेरा पर्पस ये था कि वीडियो बनाने का कि तो कैसे PTZ को कीबोर्ड को ऐड करते हैं, दूसरी चीज़ कि ये यूज़ करें आप, इसको ऐड ऑन करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा PTZ को ऐड करेंगे तो ये इजी हैंडल हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको कि सीनियर स्किल अगर आपको पर्सन मिलता है तो भी आप काम करवा सकते हैं ये इसकी मदद से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि और भी कौन सा वीडियो आपको चाहिए या फिर किस टाइप का वीडियो आप देखना पसंद करना चाहते हैं। थैंक यू।